अब वृंदावन की बांसुरी को आमंत्रित करें कि कार्य के रूप में किसी रचनाकार से आपका परिचय कराए। आपके जनपद का ही बहुत प्यारा लाडला गीतकार, सुकोमल गीतकार प्रिय मनीष सिंह हमारे बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, इस कार्यक्रम को आदरणीय झंझट जी तक ले चलना है, क्योंकि मुकेश आज के कार्यक्रम के संयोजक है, संदीप भी संयोजक की भूमिका में। उन्होंने कहा कि दादा बहुत 60 मिनट में निपटाना। अच्छा, गोंडा के लोग 60 मिनट में निपटा भी लेते हैं। एक बार एक जगह भर्ती चल रही थी तो इंटरव्यू चल रहा था, तो तमाम लंबी लाइन थी, तो एक रायबरेली का गया हमारे शहर का, तो उसने वहां कमेटी ने कहा कि जो जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो हमारे रायबरेली वाला गया, बोला भाई आई कमिंग सर, बोले अंग्रेजी बोल रहे हो तो उसमें शब्द ज्यादा है, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, कम शब्द नहीं है इसमें, ज्यादा है, वो हट गया। दूसरा बाराबंकी का गया, बोले श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बोले तुम्हारे में भी शब्द और ज्यादा है, तुम भी बाहर चलो। गोंडा वाला ये देखता रहा तमाशा, जब वहां इंटरव्यू देने के लिए उसका नंबर आया तो ना तो मैं आई कमिंग सर, ना श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जाते ही गेट पर बोला घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये गोंडा वाले 60 मिनट में निपटाने की अद्भुत कला जानते हैं। जब हम घर से चले आज बहन जी, तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि जान गोंडा जा रहे हो, हमने कहा हाँ रानी गोंडा जा रहे हो, लेकिन तुमने उसको जान को बोला, उन्होंने कहा जानवर कहने में लंबा हो रहा था, हमने 60 मिनट में निपटाया। अच्छा, उन्होंने भी पूछ लिया तुमने मुझको रानी क्यों बोला, मैंने भी कहा लोग रानी कहने में लंबा हो जाता, मैंने भी 60 मिनट में निपटाया। तो ये सब आनंद चलेगा, लेकिन इन्हीं आनंद की बातें होती रहेंगी नहीं। आनंद के बीच में संभल लेना दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मूल क्या लिखेगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर जो कवि बैठे हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और प्यारे भाई मुकेश और संदीप की शक्ति में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। संचालक महोदय ने परिचय दिया कि प्यारा मनीष ताली नहीं मांगेगा। मैं संचालक महोदय को बताना चाहता हूँ कि ये गोंडा है, गोंडा वाले विश्वविद्यालय मांग रहे हैं और लेकर भी रहे। मैं आया हूँ, मैं ताली मांगूंगा भी और ये गोंडा वाला ताली देंगे भी। हाँ, मैं शुरू होता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नई रचनाएं सुनाऊं, नहीं आप ये कहेंगे कि वही पुराना वाला फिर सुना के चला गया। तो मैं शुरू होता हूँ। कभी अनजान थी हस्ती, मुझे पता है कि नौजवान लोग बैठे हुए हैं। इस बार कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भूतपूर्व युवा नहीं है, जितने सब युवा हैं तो मैं उनकी मन की बात करूंगा। और ये जो आगे महंगे लोग बैठे हुए हैं, आरडी अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, राजे दादा बैठे हुए हैं, सीएमओ सर बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि प्रेम की कविताओं पर आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि अगर आप मुस्कुरा भी देंगे तो बीच वाले समझेंगे कि इन्होंने भी की थी। तो मैं आपकी चिंता भी समझ सकता हूँ। जो महंगे लोग बैठे हैं मुस्कुराइएगा, कोई सेंटीमीटर वाला पैमाना माफ कर मत मुस्कुराइएगा, मुस्कुराइएगा तो ऐसा लगे कि जैसे आप कभी सम्मेलन में बैठे हुए हो, जागृत हो। कभी अनजान थी हस्ती मुझे पहचान ने लूटा, कि कभी अनजान थी हस्ती मुझे पहचान ने लूटा, जिसे हम जान कहते थे हमें उस जान ने लूटा। हाँ, तो मुझे पता है लूटे हुए, जिसे हम जान कहते थे हमें उस जान ने लूटा, लूटी कुछ इसे कदर हस्ती मेरी आकर जमाने में, लूटी कुछ इसे कदर हस्ती मेरी आकर जमाने में, जो मेरे दिल में रहता था उसी भगवान ने, मेरे दिल में रहता था मुझे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सुनाऊं नहीं नहीं सुनाऊं। और जब राजनीति वाले लोग बैठे हुए होते हैं या कोई अधिकारी बैठे होते हैं तो मैं राजनीति पर वैसे भी कोई टिप्पणी करता नहीं, क्योंकि हम लोग इस लायक भी नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश के कार्यक्रम से मैंने सरकार के लिए कुछ टिप्पणियां कर दी। अगले दिन अधिकारी पहुंच गए, होटल में उठाकर लेकर चले गए, बोले तुमने मंच से टिप्पणी की थी कि सरकार चोर है। मैंने कहा कि हाँ की थी। बोला आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की।
मैंने कहा कि मैंने ये थोड़ी बात है कि कौन सी सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है। अब वो अधिकारी मुस्कुराया, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता कि जैसे कौन सी सरकार चोर है, तो इसलिए मैं टिप्पणी से बचता हूँ, मुझे पता घर जाकर समझ आएगी तब ताली बजाइएगा। मैं आपको चार पंक्तियों से और जोड़ता हूँ कि जब मोहब्बत नहीं हो तो कैसे वादे होते हैं, कि नए साथी बैठे उनका मन चाहूंगा कि प्यार निभाने वाले मैं किरदार सभी बन जाऊंगी। हाँ मुझे पता है पीछे से ये आवा पीछे से ज्यादा ये अपने जैसे तो पीछे बैठे हैं कि प्यार निभाने वाले मैं किरदार सभी बन जाऊंगी। और तू जो कह दे सात समंदर पार तलक ला जाऊंगी, तू जो कह दे सात समंदर पार तलक ला जाऊंगी। और सात जन्म की बातें करने वाली पगली बोल पड़ी, सात जन्म की बातें करने वाली पगली बोल पड़ी। लाइक तो करती हूँ लेकिन प्यार नहीं करता, लाइक तो करती हूँ लेकिन प्यार नहीं कर पाऊंगी, लाइक तो करती हूँ लेकिन। चार पंक्ति और सुनिएगा बिना किसी भूमिका के, कि मगरूरी से बहता दरिया मोड़ दिया, कि मगरूरी से बहता दरिया मोड़ दिया, पत्थर दिल तक अल्फाजों से तोड़ दिया, पत्थर दिल तक अल्फाजों से तोड़ दिया। और खुदा ने बख्शी इतनी फुफकारी, जिसको मैंने छोड़ा उसको, जिसको मैंने छोड़ा उसको छोड़ दिया। अच्छा हमारा गांव में रैली थी, उसमें कोई बड़े नेता आए हुए थे, ये अपने वाले नहीं कोई दूसरे थे। अब वो भाई साहब जुटे हुए खेत में रैली चल रही थी, अब उसमें आगे जो मेन कार्यकर्ता था माइक दिया हुआ था, उधर से पीछे किसी ने नारा लगाया कि नेताजी की जय। अब उधर उसके मुंह में मक्खी चली गई, वो बोला थू थू थू। तो ऐसी भी हो जाती है, हालांकि मैं राजनीति पर कोशिश करूंगा कि टिप्पणी ना ही करूं। मैं चार पंक्तियां और पढ़कर फिर अपने स्थान पर जाना चाहूंगा कि अब मैं कभी सम्मेलन अक्सर जब आप लोग अपने घर जाएंगे, आपके माता पिता या आपके परिवार के लोग पूछेंगे कि आप कभी सम्मेलन में गए हुए थे, वहां हिंदी की बात हुई होगी, आपने वहां से क्या सीखा, क्या कुछ अच्छा सुनने को मिला। कभी सम्मेलन केवल मनोरंजन मात्र तक न रह जाए कि जब आप घर जाएं तो आप अपने से छोटों को और अपने से बड़ों को ये बता सकें कि हमने कभी सम्मेलन में ये सीखा है, कभी सम्मेलन में ये संस्कार और प्यार की ये बातें हुई हैं। मैं जिस पर राजनीति भी हुई है, जिस पर कविता भी हुई है, मैं उस एक चरित्र का नाम लेता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे तालियों से विदाई देंगे कि सत्य और धर्म का है रथ पुनः ये चल पड़ा, कि सत्य और धर्म का है रथ पुनः ये चल पड़ा, रुका रुका थका थका सैक युग है चल पड़ा, रुका रुका थका थका सैक युग है चल पड़ा। और संस्कार की कड़ी जुड़ी जो मेरे राम से, संस्कार की कड़ी जुड़ी जो मेरे राम से, राम तुम जिधर चले वो जब उधर से चल पड़ा, राम तुम जिधर चले वो जब उधर से चल पड़ा।